वेल स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे प्रश्न थे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका पैटर्न दे रहा हूं, जो लास्ट ईयर के एग्जाम 2022 का है। जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उन सभी में कुल आपको 5 प्रश्न हल करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें कोई चॉइस भी नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट नोट है, 4 मार्क्स ईच, तो 16 मार्क्स का हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में से आपको एक करना है। यूनिट 2 इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपको एक करना है। और उसके बाद यूनिट 3 देयर आर ऑल्सो 2 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। और लास्ट में आपका यूनिट 4, यूनिट 4 में भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इनमें से भी आपको एक करना है। इस तरह से आपको कुल 5 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर था, उसके बाद ये सेकंड पेपर कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, द सेम पैटर्न इज हियर। फर्स्ट इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट इन यूनिट 1 यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, फ्रॉम यूनिट 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एंड यूनिट 3 दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, आउट ऑफ दीज टू यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 4 में आपके 8th और 9th क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। द सेम पैटर्न इज फॉलोड इन पेपर 3, लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें भी आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो है आपका कंपलसरी है। यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, सेकेंड एंड थर्ड, इनमें से भी एक करना है। यूनिट 2 देयर आर द 4th एंड 5th क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। और यूनिट 3 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, उनमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। यूनिट 4 इसमें भी आपको 8th और 9th क्वेश्चन है, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। द सेम इज फॉर द पैडागोजी सब्जेक्ट। पैडागोजी में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड आउट ऑफ 4 यूनिट, इन ईच यूनिट यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। दैट मीन यूनिट 1 से एक क्वेश्चन, यूनिट 2 से एक क्वेश्चन, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। द सेम पैटर्न ही इज हियर। यूनिट 1 सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 1, यूनिट सेकेंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1। और इसमें ध्यान रखना, यूनिट सेकेंड में इसमें पैडागोजिकल एनालिसिस होता है। एक बार अपनी बुक से कंसल्ट कर लेना, नहीं तो हमारे वीडियोस को देख लेना कि किस तरह से आपको पैडागोजिकल एनालिसिस करना है, क्योंकि इसमें आपका कंटेंट एनालिसिस, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इवेल्युएशन, ये मेन है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। द सेम पैटर्न इज हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एंड फ्रॉम सेकेंड यूनिट दैट इज 4th एंड 5th क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। यूनिट 3 से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और यूनिट 4 से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज दैट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। द सेम पैटर्न इज हियर कि किस तरह से आपको क्या करना है। दैट मीन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट 1 क्वेश्चन, फ्रॉम सेकेंड यूनिट 1 क्वेश्चन, फ्रॉम थर्ड यूनिट यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एंड फ्रॉम फोर्थ यूनिट दैट इज फ्रॉम आउट ऑफ 8th एंड 9th क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पैडागोजी ऑफ हिंदी। पैटर्न फिर वही है सेम, उसी तरह से पहला प्रश्न अनिवार्य है, दूसरी यूनिट इकाई 1 से, दैट इज इकाई 1
दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में से प्रश्न से एक करना है, इकाई दो, चौथा और पांचवा क्वेश्चन में से एक करना है, इकाई थ्री, छठा और सातवें क्वेश्चन में से एक करना है, इकाई चार, आठवें और नौवें क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना है। देन वी गो फॉर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, द पैटर्न इज द सेम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, इन फर्स्ट यूनिट यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, दैट मीन आउट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वन क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट, एंड फ्रॉम यूनिट सेकेंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, यूनिट थ्री यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, एंड यूनिट फोर यू हैव टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन। इन दिस वे आई थिंक दैट, एक बार इसको स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपको पूरा पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इस हिसाब से अपने पेपर को अच्छी तरह तैयार करके पूरा लिखने की कोशिश करें। शॉर्ट आंसर में 2 या 3 पेज जरूर भरें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 6 पेज आपको